सभी का स्वागत है न्यू लाइफ फेलोशिप धारावी चर्च में और हम ये अपेक्षा करते हैं कि इस लॉकडाउन के समय में आप सुरक्षित और आशीर्वादित हो रहे इस वचन के द्वारा। आइए हम बढ़ेंगे स्तुति आराधना की ओर और परमेश्वर को महिमा देंगे। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति शाप से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। अब हम नाच रहेंगे यीशु जो साथ है, hallelujah, to God, hallelujah.
जीवन से मैं बात जीने
पिता परमेश्वर हमें सहायता मदद कर पिता परमेश्वर एक अच्छी सी सीख मिले पिता परमेश्वर जो हमारे दिल में बसे पिता परमेश्वर धन्यवाद देते पिता परमेश्वर ये प्रार्थना उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से करते हैं आमेन। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड आमेन। परमेश्वर सभी को आशीर्वाद को दे। मुझे खुशी है, मुझे प्रसन्नता है कि वापस दोबारा मैं परमेश्वर के सामर्थ्य वचन को मैं आपके पास लेकर आया हूं। आमेन। आज का विषय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण का विषय है। मैं चाहता हूं इस विषय के ओर जो हर एक व्यक्ति ध्यान दे। पूरा बाइबल जो है एक ही बातों पर वह निर्भर करता है, वह है विश्वास के बारे में। क्यों परमेश्वर जो बार बार विश्वास के बारे में कहता है? क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है वो अपने विश्वास में से वो पीछे हट जाता है, वो व्यक्ति अविश्वासी बन जाता है, वो परमेश्वर पर का विश्वास उसके जीवन में कम होने लगता है। परंतु परमेश्वर सारी बातों में आपके मेरे जीवन में एक ही बात को देखना चाहता है, वो विश्वास को देखना चाहता है। आइए हम अपने बाइबल को खोलें, अपने पवित्र शास्त्र को खोलें और प्रेरितों का कार्य 16 अध्याय को निकालें। प्रेरितों का कार्य 16 अध्याय और 22 से लेकर 34 तक वचन को देखें, 34 तक हम वचन को देखें। आइए वचन को देखें। इस जगह पर पौलुस और सिलास के बारे में लिखा हुआ है। मेरे साथ में हम अपने बाइबल को खोलें, हम बाइबल को पढ़ें 22 वचन से। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ाए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी। बहुत बेत लगवा कर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया और दारोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव कांट में ठोक दिए। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में यका एक बड़ा भूकंप आया, यहां तक कि बंदगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दारोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। अंत उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगवा कर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया और रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। आमेन। आप अपने सरों को झुकाए परमेश्वर की महान उपस्थिति में और परमेश्वर से प्रार्थना करें। मेरे महान परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आते पिता, ओ मेरे परमेश्वर पिता, सुंदर समय को परमेश्वर के पवित्र हाथों में देते हैं। हर एक वचन को सुनने वाले हर एक भाई बहनों को अपने पवित्र हाथों में सौंपते हैं। पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेम पवित्र आत्मा इस जगह पर प्रभु आपका महान कार्य होने दो परमेश्वर। इस जगह पर प्रभु आप बढ़े और हम घटे परमेश्वर पिता। इस जगह पर प्रभु सिर्फ और सिर्फ प्रभु आपके नाम की महिमा होने दो परमेश्वर पिता। प्रभु प्रकाश भेद की बातों के द्वारा वार्तालाप कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सो बाइबल का वचन कहता है इस जगह पर
पौलुस और सीलास जो है इस जगह पर जो है वह पुनरुत्थान यीशु मसीह के बारे में यानी जी उठे यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार लोगों को बताने के कारण जो है उस जगह पर उनके जीवन पर समस्या आ गई। शास्त्र का वचन कहता है कि वहां के कई सारे लोगों ने उनको पकड़ा, उनको बंदीगृह में उनको डाल दिया गया और वो बंदीगृह में डाल दिए जाने के बाद में उनके पैरों में कांट टोका गया, वो साकलों से जकड़े गए और बाइबल का वचन कहता है कि वह आधी रात को जो है वह पौलुस और सीलास उस जगह पर जो है वह प्रार्थना और स्तुति कर रहे थे परमेश्वर की। यह बहुत ही अजीब बात थी कि अपने दुख और तकलीफों के बीच में पौलुस और सीलास वो प्रार्थना और परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, परंतु यही स्तुति और यही प्रार्थना ने उस जगह पर चमत्कार लेकर आया। चमत्कार इस रीति से हुआ कि उस जगह पर बंदीगृह के द्वार खुल गए, उनके बंधने खुल गए, उस जगह पर जो है यकायक भूकंप आया और उस जगह पर जो है वह चमत्कार होने लगा, उनके बंधने खुल गए। शास्त्र का वचन कहता है कि उस जगह पर वह दारोगा जो है वह दौड़ते हुए उस जेल खाने में आया और उस जगह पर वह उनको नहीं पाया तो उसने वह तलवार निकलकर अपने आप को हानि पहुंचाने के पीछे था, परंतु पौलुस ने वह तुरंत उनको आवाज दिया और उससे कहा कि अपने आप को हानि न पहुंचा, हम सभी यहीं पर हैं। शास्त्र वचन कहता है कि वह दारोगा व्यक्ति ने जो है वह पौलुस और सीलास के आगे घुटने टेके और उसने कहा कि सज्जनों उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। उस जगह पर जो पौलुस और सीलास ने उनको कोई लंबी ऐसी पश्चाताप की प्रार्थना नहीं सिखाया या उनको कोई ऐसी बात कोई और कोई वचनों के अनुसार कोई बातों को उनको नहीं बताया, परंतु उनको उन दारोगा को पौलुस और सीलास ने जो बात उनको कहा एक वाक्य में उसने एक बात को कहा और उसने कहा कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। उस जगह पर अगर परमेश्वर भी होता तो परमेश्वर भी उस दारोगा को यही उत्तर देता। पौलुस और सीलास के प्रार्थना और स्तुति ने जो है किसी का हृदय बदला या न बदला, उस जेल खाने में कई सारे व्यक्ति थे उनके हृदय बदला या न बदला, परंतु उस जगह पर वह चमत्कार हुआ और चमत्कार इस रीति से हुआ कि वह दारोगा का मन परिवर्तन हुआ और दारोगा को पौलुस और सीलास ने उत्तर दिया कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। आइए 31वां वचन को हम देखें। 31वां वचन कहता है उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार को पाएगा। किस पर विश्वास करे? प्रभु यीशु मसीह पर ही विश्वास करे तो उसके बाद जो है तू और तेरे बाद में तेरा सारा परिवार भी वह उद्धार को पाएगा। उद्धार सबसे महत्वपूर्ण की बात है। कई सारे व्यक्ति जो है उद्धार को बहुत हल्के रीति से लेते हैं। कई सारे व्यक्ति जो है उद्धार पाकर वह लापरवाह बन गए। उद्धार पाने के बाद उनके जीवन में कई सारे व्यक्ति वो प्रार्थना में समय नहीं बिताते, वचन में समय नहीं बिताते, आगे करते हैं जीवन वह नहीं बिताते हैं, बलिदान के जीवन को इग्नोर करते हैं। परंतु क्या ये बातें हमारे जीवन में उद्धार को बढ़ा सकती है? आपको और परमेश्वर ने उद्धार को दिया है ताकि आप और मैं अपने उद्धार के कार्य में आपको और मुझे आगे बढ़ना है। उद्धार से एक ही बार दिया गया है, उद्धार बार बार नहीं है और ये आपके और मेरे चाहने के ऊपर नहीं, पर दिया परमेश्वर का अनुग्रह है कि परमेश्वर ने आपको और मुझे उद्धार को दिया है, नाम लेकर बुलाया है। हम जैसे भी है जो भी है पुत्र यीशु मसीह के नाम से आपको और मुझे बुलाया है, उद्धार के कामों में आपको और मुझे आगे बढ़ना है, उस विश्वास में बढ़ना है। आज कई सारे लोग जो है इस पृथ्वी पर जो है आज कई सारे करोड़ों लोग जो है वो आज इसी समस्या में वो पड़े हुए हैं।
उद्धार पाने के लिए जो है वह एक तीर्थ स्थल से वह दूसरे तीर्थ स्थल पर जाते हैं, एक मंदिर से दूसरे मंदिर में जाते हैं, वह पवित्र स्नान करते हैं ताकि उनके पाप जो है वह धुल जाए, उनके उनके पिछली उनके पाप उनके काली कर्तव्य धुलने के कारण जो है वे कई सारे दान दक्षिणा करते हैं, परंतु ये कार्य उनको जो है उद्धार नहीं दे सकती, परंतु ये सारे कार्य उनको अनंत काल का जीवन नहीं दे सकता। उनको उद्धार सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति एक ही नाम से मिलेगा और वह प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही उनको उद्धार मिलेगा। यीशु मसीह के नाम से ही उनको अनंत काल का जीवन मिलने वाला है। आपका और मेरा जीवन इस पृथ्वी पर अनंत काल के लिए नहीं है, आपका और मेरा जीवन इस पृथ्वी पर जो है कुछ समय के लिए है, परंतु अनंत काल के जीवन के लिए आपको और मुझे काम करना है। इस जीवन में रहते हुए उस स्वर के लिए आपको और मुझे काम करना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह के साथ में प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर वह चिन्ह चमत्कार के कार्य करते हुए फिरा। वह जहां कहीं वह गया वह कोड़ी व्यक्ति को शुद्ध करता रहा, वह दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति को चंगा करता फिरा, वह मुर्दों को जिलाता रहा, वह अंधों को आंखें देते रहा, वह लंगड़ों को चलाता रहा। इन सारी बातों के ये सारे चमत्कार के करते हुए यीशु मसीह के साथ में उसके चेले भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे रहे और वह सारे चेले इन सारे चमत्कार के वह गवाह ठहरे। कुछ समय बाद उन चेलों को लगा कि हमारे द्वारा भी ऐसे चिन्ह चमत्कार हो। उन्होंने भी अच्छी अपेक्षा की और अच्छी अपेक्षा करते हुए उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से उनको सवाल किया कि परमेश्वर राज्य के लिए हम क्या करें, परमेश्वर राज्य में बढ़ने के लिए हम क्या करें। प्रभु यीशु मसीह ने उनको जो उत्तर दिया, उनको लगा कि प्रभु यीशु मसीह उनको चमत्कार करने के ऐसे साथ उनको चरण बताएंगे या उनको प्रार्थना करने की पद्धति बताएंगे, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने जो अपने चेलों को उत्तर दिया कि परमेश्वर का कार्य करने के लिए यही है जिसे परमेश्वर ने भेजा उसके ऊपर विश्वास करे। विश्वास सबसे महत्वपूर्ण की बात है, क्योंकि कई सारे व्यक्ति का विश्वास जो है वह संकट समस्या में उनका विश्वास जो है वह कम होने के लिए चालू होता है। वो अपने उद्धार के प्रति लापरवाह बन जाते हैं, जैसे दिन बीतते जाते हैं उनका विश्वास जो है कम होने के लिए चालू होता है। परंतु उद्धार के प्रति आपको और मुझे गंभीर होना बहुत जरूरी है। कई सारे महान विद्वान जो है वह परमेश्वर की सच्चाई को ढूंढने के लिए जो है पूरे बाइबल को पढ़ते, परंतु इस सच्चाई से वह दूर रहते हैं, वह गहराई में जाते हैं और गहराई में जाने के कारण वह ऊंचाई पे जाने में असफल रहते हैं। परमेश्वर की सच्चाई जो आपको और मुझे दी गई है वही सच्चाई के ऊपर आपको और मुझे विश्वास करना है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया और बाइबल का वचन कहता है कि बहुत ही वह धनवान व्यक्ति था और वह धनवान व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया और प्रभु यीशु मसीह से वह कहने लगा कि अनंत काल का जीवन उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने माता पिता का आदर करना, ऐसे कई सारे उसको बातें कही और उस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि यह बातें तो मैं अपने बचपन से मैं से पूरा करता हुआ आया हूं, अब मुझमें किस बात की घटी और कमी है। प्रभु यीशु मसीह ने उसके पास देखते हुए उस व्यक्ति की जरूरत को देखते हुए प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि तुझमें अभी भी एक बातों की कमी है, जो कुछ दे रहा है उसको बेचकर तू मेरे पीछे चल, स्वर्ग में तुझे धन संपत्ति मिलेगी। वो व्यक्ति बहुत ही उदास हुआ और वह वापस वो लौट गया क्योंकि वह बहुत धनवान व्यक्ति था। प्रभु यीशु मसीह ने पीछे मुड़कर अपने चेलों से कहा कि धनवानों का स्वर्ग राज में प्रवेश करना इससे बेहतर है कि सुई के नाके में से ऊन का निकल जाना, क्योंकि धनवान व्यक्ति जो है उस धनवान व्यक्ति का विश्वास उसका भरोसा उस परमेश्वर से बढ़कर अपने पैसों के ऊपर होता, उसका विश्वास और भरोसा कई अधिक था। धनवान होना कोई गलत बात नहीं है,
परमेश्वर भी चाहता है कि संसार के सारे भरपूरी उसके बच्चों के पास हो, परंतु वह धन संपन्नता वह परमेश्वर से बढ़कर नहीं होना चाहिए। कई सारे व्यक्ति के जीवन में यही कोई ना कोई कमियां उनके जीवन में होती है और उस कमियों के कारण जो है वो परमेश्वर को वो दूसरा स्थान देते हैं और अपनी कमियों को पहला स्थान देते हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह कहता है कि उन कमियों को दूर करो तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उसका मुंह कभी काला ना होगा। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उसके जीवन में कोई बातें असंभव न रहेगी, वो कभी लज्जित ना होगा। आज आपके और मेरे जीवन में भी कोई एक बात रहेगी जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के उद्धार में बढ़ने से आप और मुझे रोकती होगी। आप और मुझे चाहे कि उन बातों को दूसरे स्थान पर लेकर आए, प्रभु यीशु मसीह को पहले स्थान को दे। अपने जीवन में किसी बात को पहला स्थान मत दो, क्योंकि शास्त्र का वचन कहता है उसके बाद जो है वो पत्रस प्रभु यीशु मसीह से कहने लगा कि देखो प्रभु यीशु, मैंने अपने सब कुछ को मैंने छोड़कर मैं तेरे पीछे हो लिया हूं। बाइबल का वचन कहते हैं, बहुत ही सुंदर वचन है, आइए वचन को निकाले। लूका 18 अध्याय का 28वां वचन, आइए वचन को देखिए। पत्रस ने कहा, देख हम तो घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए। प्रभु यीशु मसीह ने उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए घर या पत्नी, भाइयों, माता पिता या बाल बच्चों को छोड़ दिया हो और इस समय कई गुना अधिक ना पाए और आने वाले युग में आनंद जीवन को पाए। हमें प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर और कोई बातों को हमें स्थान पहला नहीं देना है। पूरा बाइबल आपको और मुझे यही सिखाता है कि उस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर आपको और मेरा विश्वास अटूट होना चाहिए। परमेश्वर का प्यार हमारे जीवन में प्रथम स्थान होना चाहिए। परमेश्वर का आज्ञा पालन हमारे जीवन में प्राथमिकता होना चाहिए। प्रार्थना बाइबल को पढ़े बिना अपने घर से बाहर नहीं निकलना है। परमेश्वर को प्रथम स्थान दो, परमेश्वर का आदर करे तो बाइबल का वचन कहते हैं वो परमेश्वर भी आपको और मुझे वो आदर को देगा। जो व्यक्ति इस रीति से वो कार्य करता है वो परमेश्वर को पहला स्थान देता है, वो इस युग में वो परमेश्वर की ओर से वो आशीर्वाद को पाता है और आने वाले जीवन में भी वो आनंद का के जीवन को वो पाएगा। शास्त्र का वचन कहता है कि अविश्वास के कारण ही लोग अपने नरक में जाते हैं। अविश्वास के कारण ही लोग नरक में जाते हैं, वे प्रभु यीशु मसीह पर वो विश्वास नहीं करते। अगर कोई पाप करे, कोई गलती करे तो उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उसके लिए परमेश्वर का वचन आपको और मुझे मार्गदर्शन करेगा। परंतु कोई व्यक्ति अगर प्रभु यीशु मसीह पर उद्धारकर्ता होने पर अगर वह शक करे, प्रभु यीशु मसीह पर उद्धार करने पर अगर वह विश्वास न करे तो वह दोषी ठहराया जा चुका है और उस पाप के लिए कोई बलिदान वह बाकी नहीं रहता, वह बहुत गंभीर पाप माना गया, बाइबल का वचन कहता है। आइए शास्त्र का वचन को देखें, यूहन्ना 3:18। यूहन्ना 3:18, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। उस एकलौते पुत्र पर विश्वास नहीं करना यह बहुत गंभीर पाप है। इसीलिए आप और मुझे चाहे कि एकलौते पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करें और विश्वास के कार्य में, अपने उद्धार के कार्य में, अनंत काल के जीवन में आप और मुझे आगे बढ़ना चाहिए। यह जीवन एक ही बार दिया गया है, बार बार का जीवन नहीं है।
इसलिए बहुत गंभीरता के गंभीर होते हुए आपने उद्धार के जीवन को उसको पूरा करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने आपको मुझे संतान होने के अधिकार को दिया, वो परमेश्वर को अब्बा पिता कहने के अधिकार को दिया। यह सौभाग्य या परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आपको मुझे प्राप्त हुआ है। जरा कल्पना करें, प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए पापों को लेकर क्रूस पर चढ़ाया गया। कल्पना करें कि प्रभु यीशु मसीह का शरीर का कोई ऐसा भाग नहीं रहा जो 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 उसको जो है चोट ना पहुंचाया गया हो, जहां से लहू ना बहा हो, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने वह सारी यातना को, सारे दुख तकलीफों को आपको और मुझे बचाने के लिए उसने कलवरी के क्रूस पर उसने बलिदान को दिया। यह बहुत महान बलिदान है, कोई किसी के लिए नहीं करता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने वह महान कार्य किया है और आपको और मुझे उद्धार फ्री गिफ्ट में दिया है। उद्धार फ्री गिफ्ट है आपके और मेरे लिए, परंतु उसके बाद में हर एक बातों के लिए कीमत चुकाना बहुत जरूरी है। आप और मुझे परमेश्वर कार्य करने के लिए बुलाया गया है। आप और मैं इस पृथ्वी पर एक मकसद के साथ में है और वह मकसद परमेश्वर घर के लिए, उसके राज्य के लिए है। हालेलुया, आमेन। तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, उसके एकलौते पुत्र पर, और वो परमेश्वर की ओर से वो हर एक बातों को प्राप्त करे। आज इस समय में वो हर एक वो बातें, वो चंगाई हो, भरपूरी हो, उन्नति हो, आशीर्वाद हो, इस समय भी अपने जीवन में प्राप्त करे और आने वाले जीवन में आनंद कल का जीवन भी प्राप्त करे। परमेश्वर आप सभी को आशीर्वाद को दे। इस वचन को प्राप्त करने के बाद में इस उद्धार के ऊपर, अपने 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 उद्धार के ऊपर काम करने के लिए चालू करें, क्योंकि परमेश्वर बहुत गंभीर है इन बातों को लेकर। परमेश्वर सभी को आशीर्वाद को दे। आइए अपने सिर को झुकाए परमेश्वर के मान उपस्थिति में और परमेश्वर से प्रार्थना करें। मेरे महान परमेश्वर पिता, जैसे प्रभु हमने आपके उद्धार के वचन को प्रभु, ओ परमेश्वर प्रभु भाई बहनों से परमेश्वर बांटा है प्रभु, आपके सामर्थ्य वचन को प्रभु हर एक व्यक्ति भाई बहन के जीवन में प्रभु वो परमेश्वर अच्छी भूमि में बोया जाए प्रभु, वो परमेश्वर 30 गुना 60 गुना नहीं परंतु 100 गुना प्रभु आपके महिमा गौरव के लिए वो फल को लेकर आए मेरे परमेश्वर पिता। ओ परमेश्वर आपका वचन का बीज अच्छी भूमि में बोया जाए परमेश्वर, वो कार्य करे परमेश्वर हर एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर, वो आदर के पात्र के प्रभु आपके उपयोग में आने परमेश्वर प्रभु आदर का पात्र बने परमेश्वर, हर एक व्यक्ति का विशेष रीति से प्रभु इस्तेमाल कर प्रभु, आशीर्वाद हर एक जीवन को परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद स्तुति करते हैं परमेश्वर, जैसे परमेश्वर यह दौर चल रहे परमेश्वर प्रभु महामारी का परमेश्वर, इस महामारी की बीमारी से प्रभु हर एक व्यक्ति सुरक्षा कर, वो परमेश्वर ने बचाए रख परमेश्वर पिता, उन्हें मार्गदर्शन कर परमेश्वर, उन्हें ऊंचा उठा परमेश्वर पिता, एक महिमा से दूसरी महिमा तो उनकी अगुवाई कर परमेश्वर पिता। और मेरे परमेश्वर धन्यवाद स्तुति करता हूं परमेश्वर, सारी महिमा दोनों आपको देते हैं। यह प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं परमेश्वर, आमीन आमीन। परमेश्वर सभी को आशीर्वाद को दे। इस सामर्थ्य वचन को अपने जीवन में ले और अपने उद्धार को बहुत गंभीरता से लेते हुए आगे बढ़ते हुए जाए, आमीन। प्रभु स्तुति और परमेश्वर सभी को आशीर्वाद को दे। हम जल्द से जल्द हम गुरुवार को मिलेंगे शाम को 7 बजे YouTube के ऊपर, आमीन। प्रभु की स्तुति हो।